जद पंजाबी साहित विच गल होवे दब्बियां कुचलियां किरतियां अते औरतां दे दर्द नूं बयान करन दी, इन्हां वर्गां नूं जगाउण दी, तां सब तों पहला नां जो उभर के सामणे आउंदा ਏ ਉਹ है पंजाबी दा प्रसिद्ध कवि संत राम उदासी। संत राम उदासी दा जन्म 20 अप्रैल 1939 ਨੂੰ माता धनकौर ते पिता मेहर सिंह दे घर पिंड रायसर विखे होया, जो उस वेले जिला संगरूर पर अजकल जिला बरनाला अधीन पैंदा है। संत राम उदासी दा शुमार संसार साहित दे उन्हां लेखकां विच आउंदा ਏ जिन्हां ने अपणियां रचनावां राहीं समाजिक जद्दोजहद दी विकासमुखी तब्दीली ते डूंघा असर पाया। दलित वर्ग नाल संबंधित लोकां दी हुंदी समाजिक आर्थिक अते मानसिक लुट घसुट ते दुख दर्द उसनूं विरसे विच ही मिले। तमाम दुश्वारियां अते मुश्किलां दे चलदियां भी उदासी ने इन्हां हालातां नाल संघर्ष कीता ते अपनी जिंदगी दी लगाम समें दे हथ ना फड़ा के खुद अपनी जिंदगी नूं राहे पाया। जिस वेले उस दे हाणियां नूं सीरी रलण तो सिवा होर कोई राह नहीं सी दिसदा, उस वेले उदासी ने घोर गरीबी विच भी पढ़ाई जारी रखी। मुढ़ली विद्या उसने अपने पिंड रायसर तो ही हासिल की अते 5वीं तो बाद दी पढ़ाई लई संत राम नूं रायसर तो बख्तगढ़ जाना पैंदा सी। दसण वाले दसदे ने कि पाटे पुराने कपड़े ते पैरों नंगा जेठ हाड़ दे महीने अग वांग तपदे रेतले टिब्बे वो पैरां थल्ले अक्कां दे पत्ते बन के पार करया करदा। जिवें तिवें उसने 10वीं ते फिर JBT दी पढ़ाई पिंड बख्तगढ़ तो पास कीती। उसदे साहित्यक सफर दी गल करिए तां शुरू विच उसने धार्मिक अते पेंडू सभ्याचार बारे कवितावां लिखियां। वो ना सिर्फ कलम दा धनी सी सगों उसदा गला भी बहुत सुरीला ते दमदार सी। उदासी जद पिंडां दियां सत्थां चौराहियां ब्याहां अते मेलियां विच अपणियां कवितावां अते गीत अपने नवेकले अंदाज विच गा के सुणाउंदा तां सुणन वाले अश अश कर उठदे। संत राम उदासी नूं पंजाबी साहित विच लोक कवि होण दा मुकाम हासिल है। उन्हां दे गीत जिन्हां दे विच बहुत ही मशहूर गीत है उन्हां दा कि मां धरतीए तेरी गोद नूं चन्न होर बथेरे, मां धरतीए तेरी गोद नूं चन्न होर बथेरे तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। लिखदे आ कि जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं, जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं ते मिलन अंगूठे संघियां नूं ते वाल तरसदे कंघियां नूं नक वगदे अखां सुन्नियां ते दंद करेड़े तू मगदा रहीं वे सूरजा कमियां दे वेड़े। संत राम उदासी साहब ने किरतियां ते किसानां दे दुੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, गल लग के सीरी दे जट रोवे बोलां विचों नीर वगया लिया तंगली नसीबां नूं फरोलीए, लिया तंगली नसीबां नूं फरोलीए तूड़ी विचों पुत जगया। समाज दे विच फैली दाज दहेज दी कृति दी गल करदे इसे कविता विच उन्हां लिखिया है कि धीए केड़े मैं पढ़ोले विच डाकलां नी तेरियां जवान सदरां, धीए केड़े मैं पढ़ोले विच डाकलां नी तेरियां जवान सदरां वड खाणियां सस्सां दा रूप धारिया नी साड़ियां समाजी कदरां। धीए केड़े मैं नजूमियां तो पुछ लां, धीए केड़े मैं नजूमियां तो पुछ लां कि चन्न नूं सराप लग्गिया ते लिया तंगली नसीबां नूं फरोलीए तूड़ी विचों पुत जगया। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे ਵੱਖ-ਵੱਖ शायरां ने बहुत कुछ लिखिया। गुरु जी दे परिवार दी महान कुर्बानियां दी जिहड़ी गाथा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी साडे समाज विच चलदी आ रही है ते चलदी रहणी है। संत राम उदासी जी जदों गुरु साहब नूं संबोधित हुंदे आ वो लिखदे आ कि बापू देखदा रहीं तू बैठ कंडे किवें तरनगे जुजार अजीत तेरे ते टुब्बी मार के सरसा दे पाणियां चों लभ लवांगे सारे ही गीत तेरे। साडे सिरां ते नेचा रख बापू नंगी होन नहीं देंगे कंड तेरी, तिप तिप जवानी दा डोल के भी हौली करांगे गमां दी पंड तेरी। अगे वो लिखदे आ कि माछीवाड़े दे वेखी तू जंगलां चों असीं निकलांगे, माछीवाड़े दे वेखी तू जंगलां चों असीं निकलांगे चंडी दी वार बन के जेड़े कंडिया ने दिता नहीं सौण तेनू छांग देवांगे तिखी तलवार बन के। संत राम उदासी की कलम जड़ी है उन्होंने हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने जोड़े साहित्य में पाए योगदान जड़ा इन्ना वड्डा है, इन्ना वडमुला है कि उन्होंने भुलाया नहीं जा सकता। उदासी अंदर अपने अनुभव राही सीखण की तांग इन्नी प्रबल सी कि वो असीम दिसहदे गाउण की लोचा रखता सी। 1964 तो 1968 दौरान उसने मार्कस, एंगल्स, लेनिन, गोर्की, जूलियस फ्यूचक, सोलोखोव, तुर्गनेव ਅਤੇ ਤਾਲ ਸਤਾਏ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਖਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜਮਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਨ 1979 ਵਿੱਚ संत राम उदासी इंडियन पीपल्स एसोसीएशन इन नॉर्थ अमरीका के सदे ते कनेडा आया। इस फेरी दौरान उदासी ने कनेडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के वख-वख शहरों में अपने प्रोग्राम किए। संत राम उदासी ने चौं नुकरियां सीखां, लहू भिजे बोल, सैनतां अते कम्मियां दा वेड़ा वर्गे यादगार काव संग्रह पंजाबी साहित की झोली पाए। छेती छेती युग लाल सरगी दे सूर जावे। छेती छेती युग लाल सरगी दे सूर जावे। रूप मेरा रंग दा तिहाया, रूप मेरा रंग दा तिहाया। असी टोलने नू दिल पाड़ के वखाया, ओनू अजे ना प्यार साडा आया, अजे ना प्यार साडा आया। छेती छेती उग लाल सरगी दे सूर जावे। जाक सोना होवे जग दी कचहरी विच, रिहाए मनुख परदान वे, रिहाए मनुख परदान वे। काला पूंड कलियां नू सकदा मरोड़ रंग, अपने दिओ नू ना पछाण वे, अपने दिओ नू पछाण वे। पुछे कोई बाबले तो सदरां दहानी, ओनू होर कोई वार ना थे आया, होर कोई वार ना थे आया। छेती छेती उग लाल सरगी दे सूर जावे। चम विच पावे काल खल कोई रखो, हर कोई ओनू है प्यार दा, हर कोई ओनू है प्यार दा। क्योंकि सरमाएदारी दौर विच जोड़ घूड़ा, पैसे आंदा रूप ते शिंगार दा, पैसे आंदा रूप ते शिंगार दा। मेहनतां दे अंग संग जोबन दा काला रंग, धुप्पां विच बैठ मैं रंगाया, धुप्पां विच बैठ मैं रंगाया। छेती छेती उग लाल सरगी दे सूर जावे। तियां दे अबाब लावे पत दी जागीर नाल खाली पल्ले हुंदा नी बपार वे, खाली पल्ले हुंदा नहीं बपार वे। पूंजीपति जुग विच मूंह च हट दिते बिना दुनिया नू आउंदा ना डकार वे, दुनिया नू आउंदा ना डकार वे। ताज दी ही भुख ने वे शगना दी रात नू ही नाल मेरे बिरहा सवाया, नाल मेरे बिरहा सवाया। हाय छेती छेती उग लाल सूरजा। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨਵਾੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਮਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ। मेरे लहू दा केसर रेते च ना रलायो, रेते च ना रलायो, रेते च ना रलायो।